दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को जल्दी ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसी महीने 15 सितंबर को शहर में एलिवेटेड रोड का शिलान्यास रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी करेंगे। यह एलिवेटेड रोड करीब 15 किलोमीटर लंबी होगी और इसके पहले फेज का शिलान्यास किया जाएगा। दोस्तों, इस शिलान्यास के कार्यक्रम में नितिन गडकरी के साथ MP के CM शिवराज सिंह चौहान और सेंट्रल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद होंगे। सबसे खास बात तो यह है कि ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर बनने वाला यह एलिवेटेड रोड MP में पहला रोड होगा जो किसी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। 829 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के पहले फेज के लिए अभी सेंटर से 407 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की ओर से 41 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। दोस्तों, इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से शहर के ट्रैफिक का लगभग 50% दबाव कम हो जाएगा। आपको बताते हैं कि ग्वालियर शहर के बीचों बीच बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर यह एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के 6 किलोमीटर लंबे पहले फेज के लिए सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री और राज्य सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी है। करीब 15 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के बगल से IIIM तक रोड का निर्माण किया जाना है। इसके लिए गुजरात की श्री मंगलम बिल्डकॉन को 363 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया है। इसके दूसरे फेज में हनुमान बांध तक रोड का निर्माण होगा। यह सड़क 4 लेन होगी और इसमें जगह जगह पर लूप भी तैयार किए जाएंगे ताकि सड़क से वाहन चालक उतरकर अन्य इलाकों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके मत भूलिएगा।